नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं उस वक्त हो गया है खबरों का। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थरों यानी माइलस्टोन को तो आपने देखा ही होगा, जिस पर किसी स्थान की दूरी और जगह का नाम लिखा होता है। इन पत्थरों के ऊपरी हिस्से पर पीला, हरा, काला और नीला रंग होता है, जबकि सभी पत्थरों के निचले हिस्से सफेद रंगों से रंगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माइलस्टोन के ये पत्थर अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं? अक्सर हाईवे या किसी भी गांव से गुजरते समय आप ऐसे पत्थरों को देखते होंगे, हालांकि उस पर लिखी दूरी के अलावा और किसी चीज पर खास ध्यान नहीं देते। लेकिन हम आपको बता दें कि अलग अलग रंग के ये पत्थर बहुत काम के होते हैं, जिनके बारे बहुत कम लोग ही जानते हैं। अगर सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त किनारे पर ऐसा पत्थर दिखे जिसका ऊपरी हिस्सा पीले रंग का हो, तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। अगर आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग पर या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। अगर आपको सड़क पर काले या नीले और सफेद रंग की पट्टी वाला पत्थर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। अगर आपको सड़क के किनारे नारंगी रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन या मील का पत्थर दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आप किसी गांव या फिर गांव की सड़क पर हैं, जिससे आपको रास्ता जानने में भी आसानी होगी और आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।